जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं तो मम्मियों की परेशानी अक्सर यही रहती है कि बच्चे को टेस्टी खाने के साथ साथ हेल्दी खाना भी खिलाया जाए जो बच्चों को पसंद आए और बच्चे अपना लंच फिनिश करके आए। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो यह है कि हम इस नाश्ते को 5 मिनट में बना करके तैयार करेंगे। बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इस नाश्ते के साथ साथ मैं एक चटनी भी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए इस टिफ़िन बॉक्स रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम यहाँ पर टिफ़िन बॉक्स रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चटनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ली है मूंगफली, मैंने यहाँ पर ली है 50 ग्राम। इसके बाद हमने ली है यहाँ पर चना दाल 3 से 4 चम्मच। एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने कट करके लिया है, रफली कट कर लिया था। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं और मैंने सूखी लाल मिर्च ली है 4। आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करी पत्ते लिए हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल को डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारे यहाँ गर्म हो गया है तो हम डालेंगे सबसे पहले चना दाल। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। इसके बाद डालेंगे मूंगफली, कच्ची है। मीडियम फ्लेम पे हमें इनको 2 मिनट तक रोस्ट करना है। इसके बाद हम कड़ी पत्ते डालेंगे। कड़ी पत्ते को हम पहले भी डाल सकते थे, पहले हमने इसलिए नहीं डाला कि वो जल जाते, इसलिए हमने बाद में ऐड किया है। इसके बाद हम लहसुन की कलियाँ डालेंगे 10 से 12। इसको 2 मिनट तक हम भून लेंगे। इसके बाद हम सूखी लाल मिर्च डालेंगे। आप तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो 2 मिनट तक हमें इसको अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हम डालेंगे रफली चॉप किए हुए टमाटर, मैंने यहाँ पर 1 लिया है। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इमली के 2 मैंने गांठे ले ली थी, इसमें बीज नहीं है। यदि आपके पास इमली नहीं है आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, यदि वो भी नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसके बाद हम लेंगे चावल का आटा, यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर चावल को वॉश कर लीजिए, कोई भी वैरायटी का चावल ले लीजिएगा। वॉश करने के बाद में उसको धूप में या पंखे में सुखा लीजिएगा, फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। आपका चावल का आटा तैयार है। और फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करते हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी, वो मैंने यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स ले ली है, जैसे कि कैप्सिकम, गाजर, प्याज, धनिया और करी पत्ते। तो हम सारी वेजिटेबल्स को बाउल में के अंदर डाल देंगे। और फ्रेंड्स, इस नाश्ते को थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए मैं यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल करूँगी। कुछ फ्लेवर ऐड करते हैं जिससे कि हमारा नाश्ता टेस्टी बने। तो मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिया है 1 चम्मच। आप यहाँ पर हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्ची पाउडर लिया है 1/2 चम्मच। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है, आप यहाँ पर मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जीरा लिया है, जीरा मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। नमक हम यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो हमें थोड़ा पानी डाल करके पहले इसकी गुठलियाँ ख़त्म करनी है, फिर इसका एक घोल तैयार कर लेना है। तो देखिए, घोल हमारा इतना पतला होना चाहिए। इसको कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो मेरे जो यहाँ पर चटनी का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है, तो हम इसको एक ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसके बाद हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच। इसको हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है और चटनी बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है और एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चटनी की थिकनेस देख सकते हैं, इतनी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिया है। अब लगाते हैं इसमें तड़का। सबसे पहले हम तड़का पैन लेंगे, उसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप जो ऑयल खाना पसंद करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई, राई को अच्छे से चटकने देंगे। करी पत्ते डालेंगे और सूखी लाल मिर्च डालेंगे 2। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो रख रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा तड़का है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी चटनी भी बनकर तैयार है। अब हम बनाना शुरू करते हैं नाश्ते को। तो हमने यहाँ पर पैन ले लिया है, पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैन गरम हो गया है,
बैटर को डालते हैं इसके ऊपर, फैला लेंगे इस तरीके से, फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बैटर को डाल दिया है, 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमें इसको ऐसे ही सिकने देना है। जब ये सिक जाता है नीचे से तो किनारों को छोड़ देता है। फ्रेंड्स ये मैं यहाँ पर बिना ऑयल वाला बना के दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से देखिए किनारे छोड़ दिए हैं। तो हमारे यहाँ पर जो डोसा है वो सिक गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है, ये ठंडा होने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाता है, अभी ये काफ़ी क्रिस्पी है। इसके बाद मैं ऑयल वाला बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल ग्रीस कर लिया है, बैटर को हमें इस तरीके से फैलाते हुए डालना है, फ्लेम को हमें मीडियम कर देनी है जिससे कि हमारा डोसा जले नहीं। यदि हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो कच्चा हो जाएगा ऊपर से और नीचे से जल सकता है। इसके ऊपर से हम ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ऑयल वाला जो डोसा है वो बनकर तैयार है। आप इस नाश्ते को बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं। कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर चटनी और टमाटर सॉस के साथ इसको सर्व किया है। आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में रखिए, बच्चे एकदम लंच फिनिश करके आएंगे। आपको ये मेरी टिफ़िन बॉक्स रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।